आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में, जो है पेट के कीड़े मारने की दवा। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमिंटिक ड्रग है, जो कि इन्फेस्टिंग हेलमिंटस या परजीवी कीड़े या पैरासाइट्स को मार देता है। एल्बेंडाजोल पैरासाइट के माइक्रोप्रोटीन पर अटैक करता है और पैरासाइट के डेवलपमेंट को रोकता है और ह्यूमन बॉडी को हार्म किए बिना पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एल्बेंडाजोल जो है वो एंटी पैरासाइटिक ड्रग है। ये अलग अलग ब्रांड नेम से आता है, जैसे बैंडी सस्पेंशन, नो वॉर्म, जेंटल सस्पेंशन नाम से, और भी अलग अलग नाम से अवेलेबल है मार्केट में। मोस्टली इसको पेट के कीड़े मारने की दवा कहते हैं। कीड़े का यहाँ मतलब है इंग्लिश में इसे वॉर्म्स कहते हैं या पैरासाइट कहते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो है पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म। ये सारे वॉर्म्स हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और एल्बेंडाजोल इन सबको किल करता है अगर इनका कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, और फिर ये जो वॉर्म्स हैं ये स्टूल के द्वारा बाहर निकल आते हैं। अब देखते हैं एल्बेंडाजोल काम कैसे करती है। सपोज़ किसी एक व्यक्ति की बॉडी में इनमें से कोई भी एक वॉर्म एंटर करती है, उसके बाद वह वॉर्म उस व्यक्ति के शरीर से ग्लूकोज लेना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ग्लूकोज से वॉर्म्स को एनर्जी मिलती है। उसकी वजह से ये ज़िंदा रहते हैं हमारी बॉडी में। जैसे ये ग्लूकोज लेकर ज़िंदा रहते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन होता है और कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब जैसे ही किसी व्यक्ति ने एल्बेंडाजोल लिया जिसके पेट में कीड़े या वॉर्म हो, तो जो एल्बेंडाजोल या टैबलेट या सस्पेंशन है वो क्या करेगी, जो ग्लूकोज अपटेक हो रहा था वॉर्म्स के द्वारा उसे बंद कर देगी। तो ग्लूकोज नहीं मिलने की वजह से जो वॉर्म है वो मर जाएगी और स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से वॉर्म्स किल किए जाते हैं एल्बेंडाजोल के द्वारा। जो पिन वॉर्म होता है इसका इन्फेक्शन मोस्टली किड्स में होता है, बच्चों में। बच्चे मिट्टी खाने लगते हैं इसलिए बच्चों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अब ये देखते हैं किड्स के अंदर ये इन्फेक्शन कैसे होता है। सपोज़ कोई भी बच्चा जिसने मिट्टी खाई और मिट्टी के साथ जो पिन वॉर्म है वो उसके स्टमक में चला गया, और जैसे ही पिन वॉर्म स्टमक में जाएगा अंदर जाकर वो ग्लूकोज अपटेक करेगा और मल्टीप्लाई करेगा और कुछ टाइम बाद इंटेस्टाइन से माइग्रेट करेगा एनल ओपनिंग तक। जब वह पिनवॉर्म पहुंच जाता है तो यह ईचिंग कॉज करता है, तो बच्चे को वहां पे ईचिंग होने लगती है पिनवॉर्म की वजह से। उस कंडीशन में उसे एल्बेंडाजोल सस्पेंशन दिया जाता है, जो मार्केट में अलग अलग नाम से अवेलेबल है, जैसे बैंडी सस्पेंशन, जेंटल सस्पेंशन, जिसमें 5 ml में 200 mg एल्बेंडाजोल होता है वो दिया जाता है। एडल्ट के लिए टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट और 2 साल के ऊपर के बच्चों के लिए 400 mg है, और 1 से 2 साल की उम्र के बच्चों के लिए 200 ml है, और लेस देन 1 ईयर के लिए नॉट रिकमेंडेड है। एल्बेंडाजोल को खाली पेट नहीं लेना है, इसे खाना खाने के बाद ही लेना है। एल्बेंडाजोल को फैटी मील के साथ लेने से और भी ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों एल्बेंडाजोल को फैटी मील के साथ लेने की सलाह दी जाती है? क्योंकि जो फैटी मील होता है वो एल्बेंडाजोल का एब्जॉर्प्शन 5 गुना तक बढ़ा देता है, और एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है तो उसका जो एक्शन है वो जल्दी देखने को मिलेगा। इसी वजह से एल्बेंडाजोल को फैटी मील के साथ लेने की सलाह दी जाती है। अब देखते हैं किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है किसी भी वॉर्म से और वो व्यक्ति एल्बेंडाजोल बार बार लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में उसे डॉक्टर के द्वारा एक कॉम्बिनेशन रिकमेंड किया जाता है, जो है एल्बेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन। इस कॉम्बिनेशन से पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा सीरियस या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो इससे भी नहीं सही हो रहा हो तो आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है। फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि कौन सी मेडिसिन देनी है। एल्बेंडाजोल डिजीनेस कॉज करता है, इसलिए इसे यूज़ करने के बाद ड्राइव नहीं करनी है। जनरली इसे रात में सोने से पहले लेने की सलाह दी जाती है। एल्बेंडाजोल ड्रग और किस किस ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है, तो जैसे कि ये है डेक्सामेथासोन, फेनोबारबिटल, फेनाइटोइन, सिमेटिडीन, कार्बामाजेपाइन है। इन सारे ड्रग्स के साथ एल्बेंडाजोल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि एल्बेंडाजोल इन सारे ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है जो कि हार्मफुल हो सकते हैं।